जयपुर में डबल मर्डर, मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक अवस्था में देख बेटे ने दोनों को किया शूट। बहन को फोन कर बताया मैंने मां को मार दिया। जयपुर के कोटपूतली थाना इलाके में शनिवार सुबह हुए डबल मर्डर के मामले में मृतका के बेटे पंकज की भूमिका लिप्त नजर आ रही है। पुलिस भी प्रथम दृष्टया इसे मर्डर ही मान रही है, लेकिन वास्तविकता का खुलासा तो बेटे के पकड़े जाने के बाद ही होगा। बताया जा रहा है कि बेटे ने अपनी मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे वह अपना आपा खो बैठा और दोनों को मौके पर ही गोली से शूट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मृतका की बड़ी बेटी, जो अपने मामा के यहाँ रहती है और दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, उसने पुलिस में जो बयान दिए हैं उसमें ये बात सामने आ रही है, क्योंकि मृतका के बेटे ने आज सुबह करीब 6 बजे अपनी बहन को ही फोन करके मर्डर की सूचना दी थी। आपको बता दें कि शनिवार सुबह कोटपूतली के शालू रावत की ढाणी के पास शिव कॉलोनी में एक मकान में एक पुरुष और महिला की लाश मिली थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची जयपुर पुलिस ने मृतक महिला पहचान सुमन चौधरी और पुरुष की पहचान डॉक्टर मातादीन शेखावत के रूप में की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका सुमन चौधरी की शादी कई साल पहले हरियाणा में हुई थी, जिसके कुछ सालों बाद से ये ससुराल वालों से अलग ही रह रही है। जानकारी के मुताबिक मृतका सुमन चौधरी के घर के ऊपर वाले फ्लोर पर ही डॉक्टर मातादीन शेखावत किराए पर रहता था। उसकी कुटपुतली में ही रामसिंहपुरा गांव में एक दवाखाना खोल रखा था। इसके अलावा जिस घर में वह किराए पर रहता था वहां भी मरीजों को देखता था, जिसके लिए उसने मौके पर बोर्ड और बैनर भी लगा रखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतका के बेटे पंकज को कुछ समय से मातादीन और अपनी मां सुमन के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। इसको लेकर वह पहले भी आपत्ति कर चुका है। मां के अवैध संबंधों के बारे में वह एक दो बार अपनी बड़ी बहन को भी बता चुका था, लेकिन बावजूद उसके मां और प्रेमी डॉक्टर के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहा। इधर डॉक्टर स्वयं भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जो बांसुर में उसके गांव ही रहते थे।